घर का श्रृंगार प्रेम सनातन, देश का एकमात्र अश्वत्थामा मंदिर और उसी के समीप विद्यमान है दूधेश्वर महादेव। कहते हैं उसकी एक प्रतिमा ऐसी है जिसको स्पर्श करते ही निकलने लगती है दूध की धारा। पिछले एपिसोड में हमने आपको कानपुर के चमत्कारी खेरेश्वर महादेव के दर्शन कराए थे, जिनकी स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी और अश्वत्थामा की यहाँ उपस्थिति होती है। हम जब खेरेश्वर महादेव से आगे बढ़े तो हमें अश्वत्थामा का एक अति पौराणिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिला। मंदिर अति प्राचीन व पौराणिक है। ये अश्वत्थामा का मंदिर है और कहते हैं शायद भारत में ये पहला स्थान है जो अश्वत्थामा का मंदिर है। महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों का वध किया था तो कुपित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मस्तक की मणि निकाल ली थी। उसे क्षमादान तो दे दिया था लेकिन श्राप भी दिया था कि तुम वर्षों वर्ष इस भूमंडल पर भटकते रहोगे। और तब कहते हैं कि अश्वत्थामा इसी स्थान पर आकर रहे थे और यहीं से उन्होंने देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना शुरू की। यही पूछे दूधेश्वर महादेव और सामने खेरेश्वर महादेव है जहां अश्वत्थामा नित्य प्रति पूजा करते हैं। यह अश्वत्थामा का पहला और अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर जगह जगह टूटी मूर्तियों के ढेर लगे थे। मूर्तियां व उसकी कलाकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। लोगों का कहना था कि आक्रांता और आताताइयों ने इस मंदिर को ध्वस्त किया था। इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियों के टुकड़े, किंतु उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था न देखकर मन दुखी हुआ। मंदिर पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह अश्वत्थामा का एकलौता मंदिर है, यानी पूरे भारत में दूसरा कोई मंदिर अश्वत्थामा का नहीं है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय पांडव पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी, जिसे श्री कृष्ण ने उसकी मणि निकालकर उसे भटकने का श्राप दे दिया था और क्रोधित भीम ने उसे उठाकर फेंक दिया था, जिससे वो इसी स्थान पर आकर गिरा था। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र अरण्य वन था, यही उनके पिता द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव को धनुर्विद्या भी सिखाई थी। क्षेत्र का सिद्ध स्थान माना जाता है यह। कहते हैं कि यहाँ अक्सर रहस्यमयी गतिविधियां होती रहती हैं, कोई अज्ञात साया लोगों को अक्सर दिखता है। अश्वत्थामा मंदिर के पास ही दूधेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक गाय रोज आकर दूध गिरा जाती थी। जब लोगों को शक हुआ तो इस स्थान की खुदाई की गई तो एक भव्य और दिव्य पौराणिक शिवलिंग जमीन से निकला, जिसे नाम दिया गया दूधेश्वर महादेव। कहते हैं कि यह अत्यंत सिद्ध स्थान है और यहाँ विवाह व संतान की कामना से जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के मौजूदा पुजारी कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने बेहद रहस्यमयी बातें उस मंदिर से के बारे में बताई। उनका मानना था कि भक्त यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और जिसकी मान्यता पूरी हो जाती यहाँ कुछ ना कुछ निर्माण कराकर चला जाता है। ऐसे ही एक कोने पर शिव मंदिर बना हुआ है, जिसके ऊपर शिव और पार्वती की एक प्रतिमा लगी हुई है। पुजारी ने बताया कि इस प्रतिमा की खास बात ये थी कि जैसे ही कोई भक्त इस प्रतिमा को स्पर्श करता था, इसमें से दूध की धारा निकलने लगती थी। क्या है सच? दूधेश्वर महादेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अगर किसी के संतान नहीं हो रही है या किसी का विवाह नहीं हो रहा है और दूधेश्वर महादेव में आकर पूजा करता है तो उसे संतान सुख भी प्राप्त होता है और यथाशीघ्र विवाह भी होता है। विवाह और संतान देने वाले दूधेश्वर महादेव के मंदिर में यही पास में एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर भगवान शिव और पार्वती की एक प्रतिमा लगी है। कहते हैं कि इस प्रतिमा को स्पर्श करते ही इस प्रतिमा से दूध की धारा बह निकलती थी। तब जब लोगों को तांता लगने लगा तो प्रशासन ने अंततः उस मूर्ति को शीशे से बंद करा दिया है
जिसे लोग उसे बार बार न छू सकें। यहाँ भी अश्वत्थामा के आने और पूजा करने की किंवदंती प्रचलित है। कुल मिलाकर कानपुर का यह अरण्य वन चाहे खेरेश्वर महादेव हो, अश्वत्थामा का प्राचीन मंदिर हो या फिर दूधेश्वर महादेव, ये सारे स्थान बेहद पौराणिक हैं और इनका सीधा सीधा संबंध महाभारत काल से है। गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तप किया था और उनके तप बल का ही परिणाम है कि यह स्थान इतना जागृत और सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया के कोने कोने से लोग खेरेश्वर महादेव, दूधेश्वर महादेव और अश्वत्थामा मंदिर के दर्शन करने के लिए नित्य प्रत आया करते हैं। एक बार अगर आपको मौका मिले तो कानपुर के इस अद्वितीय और विलक्षण स्थान को आप अवश्य देखने के लिए आइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं।